ताई गौर प्रेमानंदे गुरवे गौर चंद्राय राधिकाय ददालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर स्कॉन मुंबई के वृंदावन हाल में सायंकाल के भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता के सत्संग में आप सब भाग्यशाली भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवद गीता को योग शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं, ब्रह्म विद्या योग शास्त्र। तो विद्या तीन स्तर की है भगवद गीता में, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम। जो भगवद गीता की ब्रह्म विद्या है उसके तीन स्तर है भगवद गीता में। गुह्य ज्ञान वो है आत्मा शरीर से अलग है, शरीर नाशवंत है, आत्मा अविनाशी है, इस ज्ञान को कहते हैं गुह्य ज्ञान। या वो विद्या जो गोपनीय है। दूसरे स्तर पे है गुह्यतर ज्ञान, वो विद्या जो और अधिक गोपनीय है, सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, वो है आत्मा का सक्रिय धर्म। इतना मानना कि आत्मा सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है, वो भौतिक प्रकृति से बनी हुई नहीं है, जन्म शरीर का होता है, मृत्यु शरीर का होता है, आत्मा का तो कर्मों के कारण आना जाना होता है, परंतु उस आत्मा का मुख्य कार्य क्या है। अब इस बात को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको सरल भाषा में ये समझाएं कि भगवद गीता के पहले छह अध्यायों में दो सिद्धांत हैं। जीव आत्मा सक्रिय है, कर्म तो उसको हर हाल में करना पड़ेगा,
वो निष्क्रिय रह नहीं सकता, वो इनएक्टिव रह नहीं सकता। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है कि काम तो करना ही पड़ेगा, कैसे काम करें कि बंधन में न पड़े। ये पहले 6 अध्यायों का 2 ही सिद्धांत है। तो वहाँ बताया है कर्म योग में काम करो, ज्ञान योग में काम करो, ध्यान योग में काम करो, ऐसे प्रक्रिया बताई गई है कि बंधन से बचना है। बीच के 6 अध्यायों में 2 सिद्धांत हैं, किसके लिए काम करें, कैसे काम करें। पहला है किसके लिए काम करें, वो 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं मत कर्म किन्न मत परमो भक्त, मत कर्म किन्न मत परमो मद भक्त। काम मेरे लिए करो, मन से मुझे प्राप्त करने का लक्ष्य बनाओ और हृदय से मुझसे प्रेम करो। तो ये है किसके लिए काम करें, कैसे काम करें। भाव मत भक्तो, मेरे भक्त मन के भक्ति से काम करो। ये 2 ही बातें हैं बीच के 6 अध्याय में। किसके लिए काम करें, कैसे काम करें। काम करो कृष्ण के लिए, कैसे करें भक्ति से करो। अंतिम 6 अध्यायों में ही 2 बातें हैं। बंधन का कारण क्या है, प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सोने की जंजीर है सतोगुण, चांदी की जंजीर है रजोगुण, और लोहे की हथकड़ी है तमोगुण। लेकिन तीनों बंधन का कारण है। तो बंधन का कारण क्या है, प्रकृति के गुण। मुक्ति का साधन क्या है, प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होना। कैसे होंगे, भक्ति से। ये सारी गीता का सार है। तो जो दूसरे अध्याय में विद्या है वो है आत्मा की अमरता की विद्या, शरीर से अलग। 7वें और 8वें अध्याय में जो ज्ञान है उसको कहते हैं और उत्तम विद्या, गुह्यतर ज्ञान। उस ज्ञान में भगवत प्राप्ति करने के लिए साधन बताए हैं। परंतु 7वें और 8वें अध्याय में मिक्स भक्ति ज्यादा है, शुद्ध भक्ति थोड़ी 1-2 श्लोकों में है, परंतु मिक्स भक्ति ज्यादा है। जैसे ये एक श्लोक आपने सुना हुआ, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभ। ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरे पास आते हैं, मेरी सेवा करते हैं। कौन, एक दुख में, एक धन के लिए, एक जिज्ञासु और एक ज्ञानी। तो इसमें से जो 2 हैं, दुख के कारण भगवान के पास जाता है या धन के लिए, उसको कहते हैं कर्म मिश्रित भक्त। जो ज्ञान के लिए जाता है वो ज्ञान मिश्रित भक्त। 8वें अध्याय में है योग मिश्रित भक्त। तो ये क्योंकि भक्त हैं इसलिए प्रायः मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं, परंतु अभी भी जो ब्रह्म विद्या की परिकाष्ठा है, जो ब्रह्म विद्या का शिखर है, उसको कहते हैं गुह्यतम ज्ञान, अति गोपनीय ज्ञान। वो है 9वें और 10वें अध्याय में। 9वें अध्याय का नाम है गुह्यतम ज्ञान, राज विद्या राज गुह्यम योग। तो इसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं गुह्यतम ज्ञान क्या है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं गुह्यतम ज्ञान ये है कि आत्मा के स्वरूप की अनुभूति हो जाए। आत्मा का स्वरूप क्या है, जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को
एक आपने मानव जन्म में वेदांत सूत्र में एक श्लोक है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आपको दुर्लभ मानव जन्म मिला है तो आप जिज्ञासा करो, पता लगाओ मैं कौन हूँ, दुनिया में सुख ढूंढ रहा हूँ, दुख क्यों मिल रहा है, जीवन का लक्ष्य क्या है। ये जिज्ञासा कैसे करनी चाहिए, इसका उदाहरण है सनातन गोस्वामी। वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, लोग मुझे कहते हैं मंत्री हूँ, लोग मुझे कहते हैं बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं ही नहीं जानता हूँ मैं कौन हूँ, तो आप कृपा करके बताइए कि मैं कौन हूँ। पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न पूछा, सभी संसार में प्रयास करते हैं सुखी हो जाएं, परंतु अंत तो अंतवार सब दुखी रहते हैं, क्यों। और तीसरा प्रश्न पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है और प्राप्त कैसे करें, इसको कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। ये है सनातन गोस्वामी, इसका उदाहरण। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या दिया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का शाश्वत स्वरूप है, सदा भगवान श्री कृष्ण का सेवक है। भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं। भगवान पिता है, हम बालक हैं। ये है गुह्यतम ज्ञान, कि मुझे ये पता लग जाए कि मैं भगवान का सेवक हूँ और उसी सेवक के धर्म को पालन करने के लिए भगवद गीता में भगवान ने बहुत सारे उपदेश दिए हैं। कर्मयोग का उपदेश दिया है, ज्ञान योग का उपदेश दिया है, ध्यान योग का उपदेश दिया है, यज्ञ का उपदेश दिया है, पूजा का उपदेश दिया है, परंतु आदेश एक दिया है। शिक्षाएं अनेक हैं, लेकिन ऑर्डर एक है, आदेश एक है। वो आदेश एक क्या है, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त बनो, ये आदेश है। तो जीव का स्वरूप है भगवान की प्रेममयी भक्ति करना, और यही है गुह्यतम ज्ञान। अब दसवें अध्याय में गुह्यतम ज्ञान क्या है, चार श्लोकों में गीता का सार, चतुर श्लोकी गीता, 8, 9, 10 और 11, ये चार श्लोक चौथे अध्याय का चतुर्श्लोकी गीता कहलाता है। चार श्लोकों में गीता का सार है। दसवें अध्याय का नाम क्या है, हाँ जी, दसवें अध्याय का क्या नाम है, विभूति योग। विभूति योग का क्या अर्थ है, सरल भाषा में विभूति योग का अर्थ है ऐसी चीज इस दुनिया में दिख जाए जिसको देखकर आपको कहना पड़े ओह माय गॉड, जिसको देख के भगवान याद आ जाए उसको कहते हैं विभूति। विभूति क्या है, जिसको देख के भगवान याद आए। तो सबसे उत्तम विभूति कौन सी है आपके विचार में, जो आपको भगवान की याद दिलाती है। हाँ जी, क्या, पानी, रसो हम अपशु पौनते या प्रभास्वी शशि सूर्य, जल का स्वाद मैं हूँ, सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, चंद्रमा की शीतलता मैं हूँ, ये भगवान की विभूतियाँ हैं जिसको देख के
भगवान को याद तो नहीं आता, पानी रोज पीते भगवान को याद आता नहीं। जब मुफ्त का पानी मिलता था तब भी भगवान याद नहीं आता, पैसों का लेके किसको याद आएगा। हाँ, पहले पानी फ्री में होता था तब भी भगवान याद नहीं आया, अब तो पैसों का पानी लेके पीते हैं, पैसा कहाँ है, भगवान याद आएगा। आश्चर्य नहीं, हम तो ऐसे पानी पीते थे, नल से नल के जाकर ऐसे पानी पिया करते थे, कुछ नहीं होता था, कोई बीमार नहीं होता। और अब जितने जितना महंगा पानी पीते हैं उतने ज़्यादा बीमार हैं। प्रभुपाद से एक बार पाश्चात्य देशों में किसी ने पूछा कि पानी का कभी बहुत बड़ा संकट आएगा, अभाव आ जाएगा, आप भी समझते हैं पानी बड़ा महंगा मिलता है, पानी कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। प्रभुपाद ने उत्तर क्या दिया, 3/4 समुंदर भगवान ने नमक डाल के प्रिजर्वेटिव डाल के रखा हुआ है, कभी खत्म होगा क्या समुद्र, समुद्र कभी समाप्त होगा क्या, नहीं ना, तो पानी का काय के लिए कब अभाव हो जाएगा, नहीं होगा। फिर प्रभुपाद ने कहा भगवान कहते हैं कि वर्षामी निग्रामी च, मेरी इच्छा है मैं वर्षा करूं, मेरी इच्छा है मैं वर्षा नहीं करूं। अगर आप यज्ञ करोगे तो भगवान सूर्य देव गर्मियों में पानी समुद्र के को मीठा बना के बादल बनाएगा और बरसात के मौसम में मीठा पानी आपके लिए बरसाएगा, कभी कमी नहीं आएगी। आपने अपना यज्ञ काम करना बंद कर दिया तो समय के ऊपर बरसात नहीं होगी, जब बाढ़ आ जाएगी आपका काम नहीं होगा, पानी कम नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा। ये समस्या है कि नहीं, पड़ा है ये बाद में, इतना समुद्र पास में पड़ा है, कोई पानी पी सकता है एक गिलास भी। और भगवान इसी खारे पानी को अभी आपके मई में बरसाना शुरू करेगा, तब आपका होगा बस बहुत हो गया, आप बंद करो, बिना मोटर के बिना मशीन के खारे पानी को मीठा करके बरसाने वाला कितना बड़ा ऑपरेशन भगवान का मुफ्त में चल रहा है, न कोई इंजीनियर है, न कोई पाइप है, न कोई टैंक है, और मीठा पानी होके बरस रहा है। उस पानी को संभालने के लिए हमने कोई व्यवस्था नहीं की है, सारा पानी पानी बरसात का फिर वापस समुद्र में चला जाता है। हमने मीठे पानी को हार्वेस्ट करने के लिए संभाल करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई, और धरती भी नहीं छोड़ी कि धरती में पानी चला जाए कि कल पंप से भी बाहर निकल गए, सब रोड बना दिए, पक्का कंक्रीट बना दिए, पानी जाए कहाँ बेचारा, वापस समुद्र में चला जाता है। भगवान ऊपर से बरसाता है, हमारे भाग में नहीं दिखाए, वापस समुद्र में जाता है। आश्चर्य नहीं है, इतनी बरसात होती है, वो सारा पानी जितनी बांबे में बरसात होती है उस पानी को अगर संभाल के रख दिया जाए तो मेरे ख्याल में आधे हिंदुस्तान के पानी की ही जरूरत पूरी हो जाए। लेकिन कोई हार्वेस्टिंग करने के लिए जगह ही नहीं है, आगे चल के बिल्डिंग ऐसी बनानी पड़ेगी जिसके आगे बरसात को पानी को संभाल के रखने की आवश्यकता पड़ेगी। पानी बहुत कम लोगों को मिल रहा है जी, बिगाड़ भी बहुत रहे हैं, पैसों का खरीद रहे हैं पानी पीने के लिए, कभी सोचा नहीं था। सो बात कर रहे थे कि भगवान को याद दिलाने वाली सबसे बड़ी भगवान की विभूति कौन सी है, चेतना महाप्रभु से पूछा कि भक्त की पहचान क्या है, कहा जिसको देखकर भगवान याद आए वो भक्त है। तो सबसे बड़ी भगवान की विभूति इस धरती के ऊपर है भगवान के भक्त। ये देखो, ये हमारे भक्त बाहर जब रोड पे जाते हैं ना तो लोग दूर से कहते हैं हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, सबके मुख से हरे कृष्णा निकलता है कि नहीं निकलता है? तो इसका मतलब भक्त सबसे बड़ी भगवान की विभूति है,
जिसको देखकर भगवान को याद आता है, क्योंकि वो भगवान को याद दिलाने के लिए हमारे को सदा प्रेरित करता रहता है। अब कौन से भक्त, एक ग्रस्त भक्त चेतन महाप्रभु के पास गए एक साथ रथ यात्रा के बाद, कुलीन ग्राम के भक्त, गुलराज खान के परिवार के सत्यराज खान, महाप्रभु का हम गृहस्थी हैं, हमारे घर गृहस्थी के बहुत सारे काम हैं, हम आसानी से कैसे भगवान को पाएं? तो महाप्रभु ने दो बातें बताई, कृष्ण कीर्तन वैष्णव सेवन, दो काम करो, कृष्ण का कीर्तन करो, वैष्णव की सेवा करो। तो पूछा, वैष्णव कौन? बोला, जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम निकले वो वैष्णव, जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम निकले वो वैष्णव। दूसरे साल फिर वही आए सत्यराज खान, फिर चेतन महाप्रभु से यही प्रश्न पूछा, हम ग्रस्तों को उपदेश दीजिए। फिर महाप्रभु ने कहा, वैष्णव सेवन कृष्ण कीर्तन शीघ्र पाए कृष्ण चरण। वही बात कही, वैष्णव की सेवा करो, कृष्ण का निरंतर कीर्तन करो, तो भगवान श्री कृष्ण के शीघ्र चरण प्राप्त हो जाएंगे। फिर पूछा, वैष्णव कौन? दूसरे साल पूछा, बोला, जिसके मुख से निरंतर भगवान का नाम निकलता हो वो वैष्णव। पहले क्या बोला? एक बार। दूसरे साल बोला, निरंतर जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता हो। तीसरे साल यही प्रश्न कहा और यही उत्तर दिया, कृष्ण कीर्तन वैष्णव सेवन। फिर पूछा, वैष्णव कौन? बोला, जिसको देखकर भगवान याद आ जाए वो वैष्णव। तीन बार एक ही प्रश्न के तीन उत्तर। तो पहला है भक्त, उसको कहते हैं नव शिक्षित भक्त, उसको कहते हैं नियोफाइट डिवोटीज, उसको कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ भक्त, जो एक बार भगवान का नाम ले वो भी भक्त है, वैष्णव है। दूसरी बार कहा मध्यम अधिकारी, जो निरंतर भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव, उससे श्रेष्ठ है। तीसरी बार का वैष्णव वो जिसको देखकर भगवान याद आ जाए, ये उत्तम अधिकारी का गुण है। तो भक्त की, भगवान के भक्त भी तीन स्तर के हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ का मतलब नया सीखने वाला, मध्यम का मतलब बीच वाला, और उत्तम का मतलब और उन्नत भक्त। इन तीन भक्तों का विभाजन कैसे करते हैं? किसको हम कहें कि ये कनिष्ठ है, किसको कहें मध्यम है, किसको कहें उत्तम है? तो इसका नापदंड है आदो श्रद्धा से लेकर प्रेम तक, भक्ति का जो स्तर है, भक्ति शुरू होती है श्रद्धा से। श्रद्धा आपकी है तब मंदिर में आए, मंदिर में आए तो आपको मिला भक्तों का संग, ये है दूसरा स्तर, आदो श्रद्धा अथ साधु संग। तो आपको भक्तों का संग मिला, अब भक्त आपको क्या कहेंगे? कहेंगे शास्त्र को सीखने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाकर दीक्षा ले लो, इसको कहते हैं भजन क्रिया। यहां तक जो भक्त है वो कनिष्ठ है, प्रायः यहां तक कनिष्ठ कहलाता है। इसके बाद स्तर आता है अनर्थ निवृत्ति, हमारे अंदर जो दोष हैं, अपराध हैं,
वो करने की प्रवृत्ति जैसे कमल होती है उसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति से लेकर निष्ठा, रुचि और आसक्ति तक के स्तर वाले को मध्यम कहते हैं। और जिसके हृदय में भगवान का भाव प्रकट हो जाए, प्रेम भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़े, वो उत्तम है। अब इस नापदंड से आप में से विचार करो कि हम कौन से स्तर पे हैं। आपका क्या विचार है, कौन से स्तर पे हैं हम सब? हाँ जी, श्रद्धा वाले स्तर पे है, साधु संघ हो गया, किसी ने दीक्षा ले भी लिया होगा, भजन क्रिया कर रहे, लेकिन अनर्थ से मुक्ति वाले हम में से बहुत नहीं के बराबर है। तो प्रायः भक्त होते हैं कनिष्ठ, उनको आदर जरूर देना चाहिए, परंतु उसके संघ से ज्यादा लाभ नहीं होता। कनिष्ठ को आदर जरूर देना चाहिए। रूपा गोस्वामी कहते हैं मनस आदरा, उसको मन से आदर देना चाहिए। दीक्षा ली है तो प्रणाम भी करना चाहिए, परंतु भक्ति में उन्नति करनी है तो सबसे अधिक आवश्यकता है उत्तम भक्त के संग करने की। और उसकी पहचान क्या है? निंदा आदि सुनिया, किसी की निंदा नहीं करता। एक बड़े से बड़ा लक्षण उत्तम भक्त का है, किसी की बुराई नहीं करता, किसी में दोष नहीं देखता। ऐसा भक्त मिल जाए, उसका संग मिल जाए, तो भगवान की भक्ति बहुत जल्दी हमारी आगे बढ़ने में सहायता मिलती है भक्ति में। नहीं तो कम से कम मध्यम का तो संग करना ही चाहिए। अच्छा, ये तीनों को, तीन प्रकार के भक्तों का, एक तो हमने आपको बताया स्तर कैसे पता लगे, श्रद्धा से ले प्रेम तक। दूसरा एक और क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया का मतलब क्या है, एक और नापदंड है। वो नापदंड है उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुस्वारी, जिससे जैसे हमारी श्रद्धा शास्त्र के ऊपर, श्रद्धा गाढ़ तो भक्त उत्तम, श्रद्धा मध्यम तो भक्त मध्यम, और श्रद्धा कमजोर तो भक्त कमजोर। तो शास्त्र का ऊपर श्रद्धा हमारी भक्ति को तीसरे दर्जे का, दूसरे दर्जे का या पहले दर्जे का बनाने के लिए शास्त्र के ऊपर श्रद्धा है। तो आप ये बताइए कि शास्त्र कितना आप लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, उस शास्त्र के सिद्धांतों को कितना आप समझ पाते हैं। मध्यम भी शास्त्र में प्रवीण नहीं होता, परंतु श्रद्धा बहुत दृढ़ होती है भगवान की भक्ति में। कनिष्ठ की न श्रद्धा होती है और न शास्त्र का ज्ञान होता है, किसी के बहकाने से बहक जाता है वो कनिष्ठ कहलाता है, उसके गिरने की संभावना रहती है। मध्यम शास्त्र में दूसरा उसको हरा सकता है, परंतु मध्यम की श्रद्धा डगमगाएगी नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम हमारे भक्तों को मध्यम के स्तर पे आना चाहिए, कम से कम मध्यम के स्तर पे आना चाहिए। कनिष्ठ रहने से गिरने का खतरा है, भक्ति छूट जाने का भी खतरा है। इसलिए एक तो शास्त्र का रोज नेम से पढ़ने का जीवन में
संकल्प ले लेना चाहिए कि हम रोज़ एक श्लोक पढ़ेंगे, आधा श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन शास्त्र का हम शरण जरूर लेंगे, क्योंकि शास्त्र ही हमारी भक्ति में आगे बढ़ने का एक मापदंड है। अब हम वापस आते हैं जहाँ हमने कथा को आगे बढ़ाते हुए रोका था कि चतुर्श्लोकी भागवत, सॉरी चतुर्श्लोकी भगवत गीता, इसमें उत्तम भक्तों के लक्षण हैं और ऐसे भक्तों के साथ भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, उसका वर्णन है। तो आइए आज के सत्संग में हम चार श्लोकों में जो गीता का सार दिया है रामानुजाचार्य ने श्रीपाद, उस गीता का श्लोकों का पाठ भी करेंगे, उसका अर्थ भी समझेंगे और उसके अनुरूप हमारे जीवन में हम भक्ति को करके आगे बढ़ने का प्रयास भी करेंगे। तो पहला श्लोक है, अहम सर्वस्य परभवः, मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः। अब आपने सारे शास्त्रों का सार और हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में तीन बातों का नाम आपने अगर सुना है तो अच्छा है, नहीं तो आज सुन लीजिए। सारे वेद शास्त्र में तीन ही सिद्धांत है। पहला सिद्धांत संबंध ज्ञान, क्या? दूसरा सिद्धांत अभिधेय या भक्ति का मार्ग। तीसरा सिद्धांत है प्रयोजन या कृष्ण प्रेम। ये तीन सिद्धांत के नाम आज आप याद कर सकते हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। आपको ये समझ में आ रहा है जब मैं कह रहा हूँ? इसको आप, मैं साधारण सर्व संसारी भाषा में बताऊं, लड़की सियानी होती है ना, तो उसके लिए माता पिता लड़के को ढूंढते हैं। लड़के की उम्र, लड़के की शक्ल, लड़के की कमाई, लड़के के गुण, ये सब देखते हैं ना। और जब लड़का पसंद आ जाता है तो कहते हैं कि इनसे हमारा संबंध हो गया, ऐसे कहते हैं ना। ऐसे ही जब भगवान के रूप, गुण, लीला के विषय में शास्त्र से, साधु के मुख से जानकारी होने से हम श्री कृष्ण से अपना रिश्ता जोड़ना चाहें, उसको कहते हैं संबंध ज्ञान। अब विवाह, मंगनी तो हो गई, लड़का ढूंढ लिया, अब लड़का अपने घर में, लड़की अपने घर में सेवा तो नहीं कर सकती ना, तो अब क्या होना चाहिए? अब होना चाहिए विवाह। विवाह के बाद अब जब वो लड़की विवाह होकर घर में जाएगी तो पति की सेवा करेगी, रोटी बनाएगी। ऐसे ही संबंध के बाद अभिधेय का मतलब भगवान की सेवा में लगना, उनके लिए भोग बनाना, उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना, उनके मंदिर में झाड़ू निकालना, उनके लिए फूलों का हार बनाना, भगवान के लिए सब प्रकार की सेवा करना, इसको कहते हैं अभिधेय। विवाह हो गया, सेवा शुरू हो गई, प्रयोजन क्या है? विवाह का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है संतान उत्पन्न,
भाई हमारे घर में संतान होना चाहिए, परंपरा चलनी चाहिए। ऐसे हम भक्ति करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, उसका प्रयोजन क्या है? भगवान के प्रेम को जगाना। जो भगवान का प्रेम हम सबके हृदय में पहले से भगवान ने भर के भेजा है, उस प्रेम को प्रकट करना ही प्रयोजन है। अब आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई, तो अब पहला श्लोक दोबारा सुनिए। अहम सर्वस्य प्रभव का अर्थ है मैं, श्री कृष्ण कहते हैं मैं श्री कृष्ण, भगवान कह रहे हैं इस सारी सृष्टि का प्रभव का मतलब है सर्जन करने वाला, इन सारी दुनिया को मैंने बनाया है, ये अर्थ है अहम सर्वस्य प्रभव का। ये दुनिया मैंने बनाई है, बताओ कोई आदमी इस दुनिया को बनाने वाला हो जिसके हम किसी एक छोटे से शहर के एक छोटे से घर में बने रह रहे हों और सारे ही इसका मालिक हो, तो निश्चित रूप से हम कहते हैं इसके साथ तो संबंध होना चाहिए ना, इतना बड़ा है, दुनिया को पैदा करने वाला है जी। तो अहम सर्वस्य प्रभव का अर्थ क्या हुआ? मैं सृष्टि का सर्जन करने वाला हूं। मत सर्वम प्रवर्तते का मतलब क्या है? मेरे द्वारा सारे ही प्रेरित होके काम कर रहे, मैं सबको प्रेरित कर रहा हूं, मैं ही सुबह उनको उठाता हूं, मैं ही उनको काम में लगाता हूं, मैं ही थक जाने के बाद सुलाता हूं, ये सब काम मैं ही कर रहा हूं। अच्छा इतना दूर नहीं जाए, एक और सर्व श्लोक भगवद गीता का सुन लीजिए। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। अब भगवान कहते हैं दूर मत मेरी सृष्टि को छोड़ो, तेरे इस शरीर के अंदर मैं पेट में जठरा अग्नि के रूप में बैठा हूँ, तुम जो खाते हो मैं उसको पकाता हूँ। अब जो ऐसा काम करे उसकी सेवा, मुझे माता पका के खिलाती है उसकी सेवा करते हैं ना, और भगवान कहता है मैं आपका सब कुछ आप खाते हो उसको पकाता हूँ, उसमें से सारा पौष्टिक पदार्थ निकाल के रक्त में डालता हूँ जिससे शक्ति मिलती है, कचरा एक तरफ डालता हूँ पानी दूसरी तरफ डालता हूँ, इतना सारा काम मैं अंदर बैठा आपका करता हूँ, इतना बड़ा भगवान दयालु है, उसकी भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये है संबंध ज्ञान। इति मत्वा भजन्ते मान का अर्थ क्या है? जो ये मान लेता है कि भगवान सृष्टि करता है और सबका प्रेरक है, वो मेरे भजन में लगता है, ये है अभिधेय। भजन में लगता है मतलब सेवा करता है, भजन का अर्थ है संस्कृत में सेवा, वो मेरी सेवा में लगता है, ये हो गया अभिधेय। एक ही श्लोक में तीनों सिद्धांत है। बुद्धा, बुद्धा का मतलब बुद्धिमान, जो ये नहीं जानते हैं वो है बुद्धू, जो ये जानते हैं वो बुद्धा। अब आप बुद्धू बनना चाहते हो क्या? बुद्धा, बुद्धा। भाव समन्वित, भाव प्रयोजन का सूचक है, भाव का मतलब वो मेरे प्रेम को प्राप्त करता है। तीनों सिद्धांत एक श्लोक में है। भक्त मेरी महिमा को जानते हैं इसलिए मेरी भक्ति करते हैं और मेरे प्रेम को प्राप्त करते हैं। अब दूसरा श्लोक, मच्चित्त मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथ्यन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्त,
मन चित्ता का एक अर्थ है जिसके चित्त में मैं बसता हूं। चित्त को कहते हैं कॉन्शियसनेस अंग्रेजी में। कृष्ण कहते हैं मच्चित्ता का मतलब मां की जगह पे कृष्ण हो गया ना, और चित्ता की जगह पे कॉन्शियसनेस हो गया तो क्या हो गया, जो कृष्ण कॉन्शियस है। मच्चित्ता का अर्थ ये हो जाएगा। एक दूसरा मच्चित्ता का अर्थ है जिसका मन सदा मेरे चिंतन में लगा है। एक और मन मच्चित्ता का अर्थ है जिसके हृदय में मेरा चित्र बसा हुआ है। आपके हृदय में किसका चित्र बसा हुआ है? हाँ, छोटे बच्चे होते हैं ना, एक लॉकेट बनाते हैं दिल का, उसमें दो तरफ होते हैं, एक तरफ माता का एक तरफ पिता का फोटो लगाते हैं, क्योंकि वही खिलाते पिलाते हैं, उनको लटकाते हैं कि हमारे दिल में माता पिता है। 18-19 साल होगा उनका डिलीट करके माता पिता का हटा देता, अपने साथ अपने होने वाली पत्नी का लगा देता है। और जब बच्चा हो जाता है तो वो भी डिलीट करके बच्चे को लटका देता है। बच्चा बड़ा हो के बदमाश होकर सब सामान लेके घर से ले जाता है तो उसको डिलीट करके फिर कृष्ण का लगाता है। भगवान कहते पहले से असली दिल में पड़ा था, इतने सारे और काय के लिए फोटो बदलाए, जो असली फोटो पड़ा था उसी को रहने दिया होता ना। ये रोज नए नए लगाने का तुमने दिल में काय का ये नमूना किया था। सो मद चित्ता का मतलब जिसके हृदय में राधा कृष्ण का चित्र हो, सीताराम का चित्र हो। इसका उदाहरण है हनुमान, जो छाती चीर के सीताराम दिखाया, इसको कहते हैं मच्चित्ता। रूप गोस्वामी मच्चित्ता है, चेतना महाप्रभु के मन की बात को जान जाना उसको भी मच्चित्ता कहते हैं। गोपियां हैं मच्चित्ता, जिन्होंने मन श्री कृष्ण को दे दिया, उनके पास मन था ही नहीं, उन्होंने मन ही कृष्ण को दे दिया, इसको कहते हैं मच्चित्ता। मदगत प्राणा का मतलब अगर मैं उनके चित्त में न रहूं तो उनके प्राण निकल जाएंगे, वो जी नहीं सकते। ये भक्त ऊंच कोटि के होते हैं, भगवान की स्मृति नहीं रहे तो प्राण निकल जाएंगे। इसका उदाहरण है महाराज दशरथ। राम जी के वापस लौटने का जब समाचार मिला कि नहीं आएंगे, प्राण निकल गए, इसको कहते हैं मदगत प्राण। मैं नहीं रहा तो प्राण निकल जाएंगे। जगन्नाथपुरी में ड्रामे होते थे, एक पंडित जी था, बड़ा भावुक भक्त था। एक बार नरसिंह देव का उसको पार्ट दिया गया, रोल उसने नरसिंह देव का करना था। जब हिरण्यकश्यप को मारने का समय आया ड्रामे में, तो उसके अंदर नरसिंह देव का आवेश आया, सचपच हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया। सबने कहा है तो महाराज, बोला आवेश आ जाता है, बोला आवेश आता है तो अब इसको राम का ड्रामा कराओ, दशरथ बनाओ, देखूं आवेश में मरता है क्या। उसको दशरथ का रोल दिया गया। जब राम वनवास के नहीं आए, महाराज के वास्तव में प्राण निकल गए, और जी प्राण ही निकल गए, सुन नहीं पाया इतना। तो ऐसे भक्त, दूसरा ऐसा उदाहरण है कुंती महारानी। भगवान श्री कृष्ण से धराधाम से जाने का समाचार मिलते ही प्राण निकल गए। पांडव मदचित मदगत प्राणा है, भगवान गए तो राजपाट छोड़ के उत्तर दिशा में चले गए, हिमालय में, वहां से भगवत धाम चले गए। हम नहीं रह सकते बिना भगवान के। तो फिर इतने सारे भक्त दुनिया में हैं, ये कैसे जीते हैं? बोले वो क्या करते हैं, बोले वो दयंत मत्स्पर्श परम, वो एक दूसरे को मेरी कथा बताते, कथ्यंतश्च नित्यम, नित्य रोज मेरी कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, क्योंकि मैं और मेरी कथा में कोई अंतर नहीं है, मैं और मेरे नाम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए
वो भक्त क्योंकि मेरी कथा सुनते हैं और सुनाते हैं इसलिए जी क्या मिलता है उनको, तुष्यंति च, वो संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। रमन्ति च, रमन्ति च, रमण, रमण का मतलब प्रेम को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में अभिधेय है भक्ति कैसे करनी चाहिए, मन भगवान में लगाना चाहिए, प्राण से प्यारा भगवान को मानना चाहिए, परस्पर भगवान की कथा सुनना और सुनाना चाहिए, ऐसे भक्त को संतुष्टि के साथ भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है, भगवान का सानिध्य मिलता है। अब तीसरा श्लोक पढ़िए। तेषां सतत युक्तानां भजतां पीरप्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, जो सदा के लिए मुझसे जुड़े हुए हैं अथवा मेरा सानिध्य चाहते हैं, मेरे पार्षद बनना चाहते हैं, मेरे एसोसिएट बनना चाहते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से मेरी सेवा में संलग्न रहते हैं, तेषां सत युक्तानां भजन, ये दो काम करते हैं जो भक्त, ये दोनों काम अभिधेय है, ये भक्ति है। निरंतर भगवान का स्मरण करना, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा करना, प्रेम से भगवान की, श्री कृष्ण की सेवा करना। तो भगवान क्या देते हैं, ददामि बुद्धि योगं तं, उसको मैं अंदर से ही दिल से वो बुद्धि दूंगा जिससे वो मेरे पास आ जाएगा, मेरा सानिध्य प्राप्त करेगा। ये न माम उपयान्ति ते, मतलब जिसके द्वारा वो मेरे निकट आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेगा। फिर किसी ने कहा, बेचारा अनजान है, अनपढ़ है, उसको ज्ञान तो है नहीं। ज्ञानी लोग कहते हैं भक्त तो बेचारे केवल कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको ज्ञान व्यान तो होता नहीं है, तो इनकी मुक्ति कैसे होगी। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं उनको ज्ञान नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, तेषां एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञान जमत्तमः तेषामनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञान जतमः नास्यामि आत्मभाविस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। उनकी विचारों की दीक्षा भी ले ली है, सेवा भी कर रहे हैं, परंतु अभी तक अज्ञान का अंधकार उनके अंदर दिख रहा है। ये देखकर मैं कांप जाता हूँ, अनुकंपा, कांप जाता हूँ, यारे मेरे भक्त ने अभी तक ये अज्ञान कैसे क्यों पढ़ा। उनके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ, बड़ी कृपा मेरे हृदय में उनके लिए आ जाती है। तो क्या करते हो, उनके अंदर तो मैं बैठा हूँ ना परमात्मा के रूप में, अंदर से ही उनके सारे अज्ञान को नाश करके और उनको मेरे सुंदर स्वरूप का दर्शन करा देता हूँ, प्रकाश कर देता हूँ। वो नहीं कर सकता है कोई बात नहीं, वो बेचारा मूर्ख है, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूँ ना, मेरा भक्त है ना, तो उसका प्रयास नहीं काम करता है तो मैं ही उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ, उसके अज्ञान के पर्दे को मैं ही हटा देता हूँ और मैं ही उसको अपनी प्राप्ति करा देता हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान कितना हमारी सहायता करने के लिए उत्सुक हैं, अनुकंपित हैं,
और सदा ही अवतार लेकर संतों को भेजकर शास्त्रों को देकर हमारी सहायता करने चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम अपने प्रयास से भगवान को नहीं जान सकते। माया मुग्ध जीवेर नहीं कृत कृष्ण स्वत ज्ञान, माया का जो जाल है उससे हम अपने आप कृष्ण को नहीं जान सकते। कृष्ण कृपा कीला दिया वेद पुराण, भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके गीता भागवत आदि हमको दिया है, फिर साधु संत भेजे हैं और स्वयं परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठा है। इन तीन रूप से हमारी सहायता करता है कि हम कैसे भी जितना जल्दी हो सके उतना भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के रास्ते में चलकर और भगवान के प्रेम को प्रकट करके अपने मानव जन्म के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। और इसी उद्देश्य से श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदान स्वामी श्री प्रभुपाद ने इस एक दिव्य इस्कान रूपी बहुत बड़े जहाज का निर्माण किया है, जो भव सागर के से सबको पार ले जाने के लिए बिना किसी योग्यता के कोई भी आ जाए, कथा सुने, कीर्तन में भाग ले, प्रसाद पाए और वैकुंठ जाए। इतना आसान सा काम है। तो ये सरल साधन सबके लिए भगवान ने बना के रखा है। कृष्ण भावना अमृत संघ का मुख्य उद्देश्य ये है, आप इसका लाभ लीजिए, उत्तम नहीं तो मध्यम भक्त बनने का प्रयास कीजिए और स्वयं भक्ति को अपने जीवन में धारण करके अन्य अपने बंधु बांधु मित्रों को और जिनको जानते हो उनको भी सुख के सागर में डुबकी लगाने के लिए यहाँ हरे कृष्णा लैंड जुहू पे लाइए। बहुत सुंदर राधा रास बिहारी ललिता विशाखा परम करुणा गौर निताय और मर्यादा पुरुषोत्तम सीताराम लक्ष्मण और भक्त हनुमान की कृपा प्राप्त करके इस महामंत्र को अपने जीवन में धारण करके और जीवन को सफल कीजिए। हरे कृष्ण। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो, नहीं तो अब 5 मिनट कीर्तन करेंगे, तो कीर्तन शुरू करते हैं। हरे कृष्ण।